तो ये पेंसिल्स लेके मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसे मैंने बाहर के साइट से मंगवाया था उस टाइम पे, अभी अमेजोन पे भी अवेलेबल है। तो वाली ड्रॉइंग बुक के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं क्योंकि ये ब्लिक है और digblick.com से मैंने इसे मंगवाया है। तो दोनों ही ब्रांड्स इंपोर्टेड हैं और इसे हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉइंग में बनाने वाला हूँ। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट कमाल के हैं, फोटो भी कमाल की होनी चाहिए। मोनोजीरो ये रहा, टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर, ब्रांडिंग स्टैम्प, कल इतना सा बनाने में पूरी मतलब रात भर लग गई मुझे, 3:30 बजे तक मैंने बनाया। समझ में नहीं आ रहा है टाइम इतना क्यों लग रहा है। Thank you.
ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ ही नहीं की है, पता नहीं कहाँ से आ गई। इस तरीके से बहुत जगह लाइन है, समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से आ रही है, पता नहीं पेपर सही नहीं है या क्या, समझ में नहीं। तो यार इतना टाइम किस चीज़ की वजह से बर्बाद हुआ है, पेपर की वजह से हुआ है या पेंसिल की वजह से हुआ है, ये फाइंड आउट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये स्केचबुक है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ अपने रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए, और मैंने 6B की रॉयल पेंसिल और स्टेडलर की 6B निकाल ली है, क्योंकि रियलिस्टिक ड्राइंग इससे बहुत ही अच्छी बनती है। मैंने स्टेडलर की पेंसिल बहुत सारी ड्राइंग में यूज़ की है, इसलिए दोनों का कंपैरिजन करके देख लेते हैं। और पेपर, क्योंकि मुझे पेपर पे डाउट है, ब्लिक के पेपर पता नहीं अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ही चीप हैं, क्योंकि बीच बीच में लाइंस आ रही थी। काफ़ी सस्ते में मिल भी जाते हैं आपको, 70 पेजेस 240 रुपीज़ में, 245 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं, और इम्पोर्ट टैक्सेस वगैरह मिला के थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं स्टेडलर को टेस्ट करने जा रहा हूँ। देख सकते हो आप, दोनों काफ़ी सेम दिख रहे हैं, मतलब क्वालिटी वाइज तो बहुत सेम है। ब्लेंड करके भी देख लेते हैं, क्योंकि ब्लेंडिंग के बाद मैंने देखा स्पेसेस काफ़ी बच रहे हैं उसमें, और लाइंस बीच में आ रही है, तो वो इस पेपर में अगर आएगा तो पेंसिल में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, तो इसका सीधा मतलब है पेपर गड़बड़ है और पेपर में ही डिफेक्ट है। पता है 6 बज चुके हैं, ये देखो टाइम, और 6 बजे तक मैं इसका इतना पार्ट बना चुका था। इतना पार्ट बनाने के बाद हाथ बनाने का दम मेरे पास नहीं बचा था। और इस ड्राइंग में शाइन दिख रही है कितनी ज़्यादा है, तो ये तो एकदम ही मतलब सही नहीं लग रही मुझे, और बनाते बनाते मतलब एकदम मोटिवेशन मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि यार इतने दिन से बना रहा हूँ और रोज रात को मैं बना रहा हूँ, बनाते बनाते फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ जाता है जब आप जितना अचीव करना चाहते हो उतना अचीव नहीं हो पाता। तो आइए जितना अभी बना लिए हैं वो देखते हैं। इसका ये निकालता हूँ मैं, ये देखो पेपर की क्वालिटी देखो आप, पेपर की क्वालिटी भी देखो इतनी ख़राब है कि मास्किंग टेप से फट रही है। मैंने क्यों ख़रीदा ये, ना रद्दी पेपर, बहुत ही बकवास क्वालिटी का पेपर है, और इतना मेरा टाइम बर्बाद कभी नहीं हुआ, मतलब हद से ज़्यादा परेशान हो गया, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना मैं, और लग रहा था ठीक है अभी नहीं बन पाई है, ठीक है कोई बात नहीं, हाइलाइट्स देने के बाद सही हो जाएगी, हाइलाइट्स भी दे दी, फिर भी मैं पुरानी ड्राइंग लेके आया और कंपेयर किया, फिर लग रहा था कि यार इसमें वो बात आ ही नहीं रही है। और हर बार मैं मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरी पिछली ड्राइंग से मैं अच्छा बना पाऊँ, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मुझे समझ में आया कि यार मिस्टेक मेरे अंदर नहीं, मिस्टेक पेपर के अंदर है, और या तो पेंसिल के अंदर है, क्योंकि दोनों ही नई हैं, पेपर भी नहीं नया था और पेंसिल भी नई थी, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया क्या फाड़ना, मतलब सच में तुम लोगों ने सोचा था कि मैं फाड़ दूंगा इसे, अरे यार कुछ भी किया था 3 दिन लगाया है, ये व्यूज़ के लिए करना तो बनता है यार। ठीक है, कभी कभी चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं, और ये मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छे ब्रांड्स मेड इन USA है ये ब्लिक पेपर, लेकिन बहुत ही बर्बाद है पेंसिल के लिए, मैं क्लियर कर दूं सभी को, ग्रेफाइट के लिए बहुत ही बेकार अभी तक मतलब लगा है मुझे, चारकोल में टेस्ट कर लूँगा। मेरे लिए नहीं तो ये फटी हुई ड्राइंग के लिए सब्सक्राइब मारो नीचे, और अगर ये ड्राइंग दोबारा चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है नई ढूंढी थी, जो ये स्मोक मैंने बनाया है वो फर्स्ट टाइम मैंने ड्रॉ किया था, और बहुत ही अलग तरीके से एक टेक्निक मुझे पता चली है, बहुत ही सिंपल है, जो कि अगर आप नेक्स्ट वीडियो में कवर करने के लिए मुझे बोलते हैं तो मैं ज़रूर उस पर एक ट्यूटोरियल बनाऊँगा। और यार ये फोटो इतनी अच्छी थी कि मैं चाहता हूँ इसे दोबारा बनाना, अगर आप लोग भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन भर दो और बोल दो
कि ये वीडियो आपको दोबारा चाहिए, मैं दोबारा से इसको बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक बना के लाऊंगा।